परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है, वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जब सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसा रुई का होता है। तब मन की पूजा तुम लखी, गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा की महिमा लिखी है, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुटमाल परवेश। रामानंद जी कह रहे हैं गरीबदास गति कौन लुख तेरा कौन वर्ण के वेखे। अब रामानंद जी कह रहे हैं हे परमात्मा आपकी महिमा ने कौन कौन समझ सकता है, आपको कैसे भगवान माने या जनता, आप किस तरह रूप में खड़े हो। एक छोटा सा बालक धोती बांधे सिर पर टोपी पहरे खड़ा, धोती बांधे खड़ा सिंपल सा, और किस वर्ण में जुलाहे के घर तू वैसे आपकी लीला कर रहे हो। तो कहते हैं मन की पूजा तुम लखी ये मुकुटमाल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण के भेखे। ये तो शिक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीब दास को मल पुरुष और हमरा वदन कठोरे। गरीब दास जी कह रहे हैं कि स्वामी रामानंद जी ने जब उनको सीने से लगाया डोढ़ी पड़दा दूरे कर वो लीना कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते एक तरफ तो सारा समाज खड़ा मुसलमान क्या नाम है ब्राह्मण समाज और एक तरफ भगवान खड़े। कहते हैं उस महापुरुष ने उस ब्राह्मण ने समाज को नहीं देखा परमात्मा को देखा जिसके लिए वो भटक रहा था सामने खड़ा तो सीने से लगा लिया। कहते हैं मनमत बहुत बीती अके होगी जनता लेकिन भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा और उम्र खत्म होने को हो रही 104 साल का बूढ़ा हो रहा तुरंत सीने से लगा लिया। अब क्या कहते हैं ये तो दीक्षा तुम दी ये मान ली मन मोरे, गरीब दास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। के हे परमात्मा आपको कैसे परमात्मा मानना या बोड़ी जनता, आप किस रूप में खड़े हो, किसके घर जन्म किसके घर में आपकी लीला पल हो रही है, एक धारणक रूप में आप पल रहे हो। तो परमात्मा ने फिर काफ़ी इनको समझाया। रामानंद जी जब रामानंद जी ने स्वामी जी परमात्मा से तन मिलाया बाकी सब उठ कर चले गए, पंडित जी तो सारे खिसक गए, एक बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया भाई रामानंद जी का दिमाग चल गया, इसने दानक के लड़के को छू लिया यू तक गया काम तय। अब जाओ तो जाओ फिर परमात्मा और वो प्यारी आत्मा रामानंद जी दोनों रह गए। काफ़ी देर चर्चा हुई, लास्ट में रामानंद जी ने कहा स्वामी मैं बच्चा समाधिस्थ होता हूँ आपकी सारी बात मुझे समझ में आ रही है लेकिन मैं वहाँ तो बताता हूँ सारी उम्र मैंने ऐसे कर दिया। तो रामानंद जी को एक प्रश्न उठा उसके मन में कि हे परमात्मा से कहा कि एक बात बताओ दाता आपने एक झूठ बोली, और परमात्मा झूठ नहीं बोलते हैं। परमात्मा बोले क्या झूठ बोली कि आपने ये कहा सबको कि मैंने आपको दीक्षा दे रखी है, मैंने आपको कब दीक्षा दी। पर परमात्मा ने कहा कि एक याद करो एक दिन आप स्नान करने गए थे मैं वहाँ घाट पर लेटा हुआ था मुझे निंद्रा आ गई थी और आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी और आपने कहा था बेटा राम राम बोलो
आपने दीक्षा दे दी, मैं आ गया, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। तो उसके ध्यान में आई कि वो बच्चा तो छोटा था, आप तो 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस हो जाता है एज में, हाइट में यानी कद में। तो उन्होंने कहा कि वो तो छोटा बालक था, आप तो बहुत बड़े हो। परमात्मा ने उसी समय दूसरा रूप बना 2.5 साल के बच्चे का, वर्ष के बच्चे का। और एक सेवक की खाट थी, झोंपड़ी तबारे, उसके ऊपर लेट गए, एक सामने खड़े। परमात्मा से ने कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं, देखो सामने। अब रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा, और 6 बार वो 5 साल के बालक के रूप में देखा। आखिर में आँखें मसलन लग गया, इतने में वो 2.5 साल का बालक उठ गए और उस 5 साल के बच्चे में जो कह तो समा गया। तब रामानंद जी का जचा कि वो भगवान है बालक को ना। फिर रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात और बता, क्योंकि ये मन जो है ज़्यादा ही शंका पैदा करता है जब सच्चाई के निकट आता है, सैकड़ों प्रश्न उठा देता है। तो उसने कहा कि मैं जब दीक्षा देता हूँ, कुछ और मंत्र देता हूँ, राम राम मंत्र मैं नहीं देता। परमात्मा ने कहा आप ओम मंत्र देते हैं और उसको गुप्त रखने के लिए कहते हैं। जैसे हम सच्चाई बोलते हैं ये हमारा मंत्र नहीं है, तो पहले जो राम राम बोला करते थे ये मंत्र नहीं था, मंत्र वो ओम नाम ही देते थे। ओम नमः शिवाय ये अलग देते थे, ओम भगवते वासु, ओम नमः भगवते वासुदेव ये अलग नाम होता, और सिंपल ओम नाम देते थे, उसको गुप्त रखने को भी कहा करते थे। रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बालक के विघ्न है, ये तो सचमुच खुदा आ गया, भगवान आ गया। फिर उसने पूछा कि एक बात बता बच्चा, मैं जिसको दीक्षा देता हूँ उसको एक मन वो देता हूँ कंठी, जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, वो है तेरे पास? वो तो नहीं दी मैंने अकेले, वो नीचे से निकाल के दिखा दी, या उस दिन आपने डाली थी गाठ के ऊपर? रामानंद जी तो चरणा में बैठ गया चुप करके, ये बालक को ना भाई। फिर परमात्मा ने कहा था अग्रम अग्रम छोड़ दे, सुनो हमारी बात, कि स्वामी जी अग्रम अग्रम नहीं चलेगी, कल्याण करवाओ, तुम्हारे लिए आया हूँ मैं। फिर उसने एक आंट और अड़ा दी कि मैं समाधिस्थ होता हूँ। परमात्मा बोले चल वो क्रिया भी कर। समाधिस्थ होकर कहाँ पहुँचा आगे जाके, कहते हैं योग युक्त ब्रह्मचारी थे बचपन से ही, 104 साल के हो गए थे, 5 वर्ष के भगवान बैठे थे सामने बालक रूप में। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर वहाँ अटक रहे बलबीर। समाधिस्थ होकर अंदर जाते थे, आगे जाके त्रिकुटी पर 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी शुरू होती है। इनको तो ढंग से त्रिकुटी का भी ना पता, वो तो बहुत अंदर का खेल, ये मारे सट्टे सुनी सुनाए। तो जब ये वहाँ पहुँच गया त्रिकुटी पर, 3 रास्ते हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि अब कहाँ जा, और परमात्मा साथ दिखे बालक रूप में ऊपर, जहाँ वो पहुँची उसकी समाधि। परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये आ गया तेरा आखिरी स्टेशन, अब कहाँ जाओगे? पता नहीं इससे आगे मुझे नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। ये जो राइट, ये है ना लेफ्ट साइड वाला, ये मृत्यु के बाद आप इधर जाओगे, और ये आगे जाके पहला ही स्टेशन, इसके ऊपर पहला जो मुकाम है, स्थान है, वो धर्मराज का है, वो आपका अकाउंट लेता है, और जिसने जहाँ की भक्ति कर रखी है उसी ईष्ट को के धाम को तुरंत भेज देता, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती फिर। और इधर ये साथ में तो तीसरी इधर का रास्ता है, इसमें वो ऋषि महर्षि जो अलग रहते हैं ये उधर जाता है, इधर कोई नहीं जा सकता, वो रास्ता है लेकिन आम आदमी अलाउड नहीं। और इधर जो सामने रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र खुले बिना आपका ये वो ब्रह्मलोक भी नहीं जा सकते तुम, तो इस ब्रह्मरंध्र तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता। तो उन्होंने खूब अपना सिमरण करके देखो, खूब सिमरण किया नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास सतनाम है, उस 2 अक्षर के मंत्र से ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है सामने का, मैं सिमरण करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने सिमरण किया, एकदम वो एकदम खुल गया।
और स्वामी जी को अंदर लेकर गए। आगे सारा कुछ दिखा के ब्रह्मांड परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया, फिर सतलोक में गए बारमा द्वार पार करके। वहाँ जाके स्वामी जी ने क्या देखा कि जो अन्य रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे और एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीका पड़े, और नीचे से वो बालक रूप में जा रहे उनके साथ में। तो वहाँ जाकर क्या देखा, जो एक चमर उठा के छोटे से बालक और करने लग गए ऐसे भगवान के ऊपर। तो रामानंद जी ने सोचा ये है परमात्मा जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर यहाँ का कोई इनका निकटतम सेवक है। इतने में वो सिंहासन वाला भगवान खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक बैठ गए उस सिंहासन पर, और वो तेजोमय शरीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले वो बालक रूप परमात्मा कबीर जी असंग ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान थे। अब रामानंद जी सोच ही रहे थे ये क्या कमाल कर दिया। फिर उनकी आंखें, वो तो चेतना होगी कि सचमुच ही तो परमात्मा है। तब परमेश्वर ने कहा कि जाओ स्वामी जी, अब नीचे जाओ, ये है मेरा लोक। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब अधर बसों अवगत सत कबीर। तब रामानंद जी कहने लगे भगवान है, हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ गए दाता, ये है लोक। जो स्वर्ग भी दिखाया उसमें तो नरक है, उस स्वर्ग सतलोक को देखते हुए, और वहाँ तो अपनी पूंजी समाप्त होने के बाद फिर वापस जाना होता है पुण्य समाप्त होते ही, और यहाँ सदा सुखी रहोगे। देखो ये सब तुम्हारे पहले के भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ वापस। जब उनकी समाधि वापस टूटी, एकदम ऐसे बैठे समाधि खुली, तो सामने फिर बैठे परमात्मा 5 वर्ष की बालक रूप में। तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास तुम्हारे रूप बिन सब रूप के तुम ही सृजनहारे, दो ही उठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंसे। के हे परमात्मा आप ही सर्वशक्तिमान हो और दो उठोड़ आप ही हो, एक से दो बनकर आप ही यहाँ आए हो। तब चरण पकड़ दिए 104 साल के बूढ़े ने और 5 वर्ष के भगवान के, और कहा कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि। 104 साल का ब्राह्मण और 5 वर्ष के धानक के बच्चे को कह रहा है तुम स्वामी, तुम मेरे मालिक और मैं बाल बुद्धि, हमारा ज्ञान तो एक बालक जैसा था स्वामी जी। हे परमात्मा तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, ये ब्रह्म कर्म कियो नासे, दास गरीब निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा ने कहा था देखो अब आप मेरे गुरु बने रहना। अब वो रोवा बुड्ढा 104 साल का, मैं क्यों कर गुरु बनूँ आपका, मेरी आत्मा नहीं मानती दाता। परमात्मा बोले ये मेरा आदेश मान लो आप, यदि ये मर्यादा नहीं रहेगी तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा स्वामी को, स्वामी जी बात बिगड़ जाएगी। मैं कहूँ ऐसे भक्ति करो लेकिन ये मर्यादा आपने बनानी रखनी पड़ेगी। तो रामानंद जी रोते हुए ने स्वीकार कर लिया कि जो आपका आदेश। लेकिन कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु, ये लाखों गुरु तारे से इसके भाई और चेलों की गिनती नहीं जो पद्म रे समाए। तो परमात्मा ने उस आत्मा का कल्याण किया गुरु बना के, लेकिन दीक्षा वही रखी जो परमात्मा ने उनको दी थी। इस प्रकार ये परमात्मा का मार्ग सफल होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं ते पूछो वेद पुराने। तो पुणात्मा आज तक तो भ्रमणा फैला रखी थी, भ्रम था कबीर साहब के जन्म के बारे में, वो 100% रोंग था, गलत था कि किसी कुंवारी के पैदा हुए थे, वो सर्व की मारी गेरगी, ये सब बकवास थी। आँखों देखा गरीबदास भगवान ने बताया,
गरीबदास जी ने बताया, नानक साहिब जी ने बताया, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रतीनी भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचना कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हुए, सौभाग्य आपका, धन धन है आप। ऐसे घोर कलयुग में आपके अंदर परमात्मा की तड़फ है, चारों तरफ आग लगी हुई है, माया को इकट्ठा करने में ऐसी दौड़ लग चुकी है, इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है, बुरा भला कुछ नहीं देखता है, केवल माया संग्रह करने की होड़ लगी हुई है। सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। कोई कसाई है, बकरे काट रहा है, बढ़िया इनकम हो रही है, बड़ा खुश है, उस काम को बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि उसको बेनिफिट घना हो रहा है। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से, तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते, अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के अभाव से हम उसमें भी कर्म बिगाड़न पर ही लगे रहते हैं। और जिस लोक में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ का जो कंट्रोलर है, यहाँ का जो स्वामी है, वो नेक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भले ही हम उसको परमात्मा कहते हैं, जैसे कोई बदमाशों का ग्रह होता है, उनका भी एक मुखिया होता है, उसको भी वो अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, बॉस मानते हैं। लेकिन वो बॉस उनसे क्या कर्म करवाता है, अंडरस्टूड है। इसी प्रकार यहाँ का जो बॉस है, यहाँ का जो स्वामी है, ये ब्रह्म है। संतों ने इसको काल कहा है, और जिसका नाम में काल है तो उससे हम आशा क्या करें कि वो कोई सुख भी दे सकता आपको, या भूल थी अपने। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बॉस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे है, और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ रगनी प्रतिपाले। के सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं, और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब हम विवश कर दिए इसने, एक रोटी और पेट के लिए, कोठी और कार के लिए हम मर जाते हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती।
और परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया है कि इस मनुष्य जीवन में आपने कौन से कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान दिया है, इसमें कोई तो केवल यज्ञ हवन ही करके संतोष कर किए बैठा है कि मैं साधना कर रहा हूँ और ये मेरी भक्ति बिल्कुल सही है, कोई स्वाध्याय करता है प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम को, सुबह शाम कोई पाठ कर लेता है किसी गीता जी का, वेदों का या अन्य किसी वाणी का, और कोई केवल योग साधनाएं करते हैं, कोई घोर तप तपते हैं, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी रख के डाल के नंगे पैरों चलते हैं, और ये सभी के सभी व्यक्ति अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं आते हैं अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताते हैं वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, वो पांचवा वेद है, और उस पांचवें वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स होता है परमात्मा के पाने का, कंप्लीट साधना है, कंप्लीट ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा फिर, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उसके अंदर बड़े विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की जानकारी है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है विस्तार के साथ कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध हुई कि सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त जितने भी वेद हैं, ज्ञान है, गीता है, ये कंप्लीट नहीं है, और इनकम्प्लीट से फिर लाभ क्या होगा। जैसे आप कोई मोबाइल नंबर से कोई नंबर मिलाते हो और एक नंबर ज़्यादा या कम लग जाता है तो आपका वो काम बना नहीं, रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग में, अध्यात्म मार्ग के अंदर कंप्लीट ही साधना चाहिए, संपूर्ण, और संपूर्ण परमात्मा, और तभी हमारा संपूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। तो आज आपको थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। अपने आत्माओं, थोड़ा सा पहले ये बताना अनिवार्य है कि जो जिस ग्रंथ को आधार मानकर दास आपको अब ज्ञान सुनाएगा ये आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले की अमृतवाणी है, और इन गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 यानी सन 1727 में हुआ था। जब ये 10 वर्ष के बालक हुए इनको परमात्मा मिले थे, परमेश्वर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था और छुड़ानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौंथा जिला रोहतक हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे, इनके पूज्य पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़
वहाँ घर जमाई रहा करते थे, वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद वहाँ रहने लगने के उपरांत। इनके जमीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी और खेतों में उस समय गौवें बहुत रखा करते किसान लोग, 100-100, 150-150 गायें रखा करते। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, फसल बहुत कम होती थी, जिस कारण से पशु धन से ही वो अपना व्यवसाय चलाया करते थे, निर्वाह किया करते थे। तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए, सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे, वहाँ परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य ग्वाले थे, पाली थे, सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था, महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, भी भोजन तो मैं पा कर आया हूँ अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है महात्मा जी, आपका गांव कौन सा है, पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के, तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते, हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी का अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भी दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे, बाबा जी आपकी नीत ठीक कोनी, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा, महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी। तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है। तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए, परमेश्वर खड़े हुए साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे, और गऊ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया, परमात्मा ने आधा दूध पिया, थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा ले पालियो पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंतर का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवे कोनी, पाप का है तो, और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते हैं, पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी, चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का, तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे, और परमात्मा उनके लिए वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा, लाओ भगवान, हे महाराज जी, आपका झूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया, सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव ये है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया,
उनके मुख से कलवाया कि हम जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं। धर्मराज के दरबार में गए, धर्मराज ने जो यहाँ का 21 जो कि एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जो परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज, क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप से मैं जिस नीचे से गए थे वो उनको खुरका धमका रहे हैं, जैसे ऊंच अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते हैं। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है, इस प्रकार परमात्मा वहाँ बोल रहे हैं। और गरीबदास जी देख रहे हैं, बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है, उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन दो ही लाख करोड़। फिर क्या कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य किए हैं वो दोनों अकाउंट मेरे पास इनके सुरक्षित हैं, और मैं केवल कर्म आधार से ही इनको सुख और दुख का विधान बनाता हूँ। जब इनके अकाउंट में दुख हैं, पाप हैं, तो दुख होंगे और इनको मुझे सजा भी देनी पड़ेगी। तब परमात्मा ने कहा, जब धर्मराज ने ये कहा कि कर्मों से तीरत हैं अब हैं शरण कबीर, उन वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। परमात्मा क्या बोले, तेरे कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दो नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा कि ये कर्म तुम न करवा, इनसे उल्टा ज्ञान दे के सारा गलत ज्ञान प्रचार करवा के, और ये कर्म भ्रम जो ब्रह्मांड के एक पल में इनके सब नष्ट कर दूंगा, मेरे पास ले आना, तेरे अकाउंट ने मेरे पास ले आना और मैं क्रॉस कर दूंगा, उसको काट दूंगा इनके सब पाप कर्मों को, इनको सजा नहीं देना। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग का अपने को कैक है भी पता नहीं था आज तक, और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक से, के ज्ञान से परिचित नहीं, तो टीचर कैसा। जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है, तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को, वहाँ अपना सारा सब कुछ दिखाया। और वहाँ जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, जैसा राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफ़ेद, और एक बहुत बड़ा गुम्बद मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो माँ गए थे भगवान, वो वहाँ चंवर उठा कर के अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरुजी पर करते हैं।
तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये है जो सामने तख्त पर बैठे हैं, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजोमय शरीर यानी एक रोम में करोड़ सूर्य में राज करोड़ चंद्रमा इतनी रोशनी उस मालिक की, वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए और उस चंवर को वो तेजोमय शरीर वाले भगवान एज ए सेवक सर्वेंट की तरह नौकर सेवादार की तरह चंवर कर रहे हैं बाबा जी पे जिंदा महात्मा के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये है। इतने में तेजोमय शरीर उस कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक उसमें समा गए और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितने भी पृथ्वी पर प्राणी हैं, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं वो सभी यहाँ रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा उनको अलग स्थान है, वो अलग से 32nd पोर्शन 2nd पार्ट का, तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े हैं, कितने अच्छे इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए छोड़ के इस स्थान को। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहाँ आते आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूँ, आप नीचे जाओ मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है, आपने आँखों देख लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता है, जो आप अभी आपसे मुलाकात कराई थी और इसको मैंने आदेश दे दिया दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे को पास आएंगे, अन्यथा देखो वो कैसे उन्होंने नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं, और कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वायदा हुआ है और इसने स्वयं कहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना, तो जब कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू होगी तब मैं सबको पार करूंगा, और उसके लिए ये आपके गवाही की आवश्यकता पड़ेगी कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। तो गरीबदास जी को समझा बुझा के वहाँ से तैयार किया और बताया कि मैं 120 वर्ष काशी में भी रहा था बनारस में, लेकिन ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं सकी, और आप जाना मेरी गवाही देना। परमात्मा ने उनके अंदर वो अमृतवाणी फीड कर दी जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि बर्मा पंथ जो कबीर पंथ से चलेगा वो गरीबदास का होगा, और उस बर्म पंथ के प्रवर्तक यानी गरीबदास जी 1774 में उनका जन्म होगा, तो उनके द्वारा मेरी महिमा की अमृतवाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ ज्ञान की, क्योंकि वो बीच के अंदर जो काल के एजेंट संत आएंगे कबीर पंथ में, वो कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे, अपनी सूझबूझ से वो उसको काट छांट कर सकते हैं। इसलिए इस यथार्थ ज्ञान को पुनः जीवित रखने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से ये तत्व ज्ञान फिर से मालिक ने दिया, जो दास अब आपको सुनाने जा रहा है। तो उसके बाद गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया। उधर से क्या हुआ कि बच्चे को मृत जानकर खत्म हो देखा, हिलाकर वो गिर गए, मृत जानकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता पर रख दिया था, अग्नि लगाने वाले थे, तभी परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया। उसके बाद उस परमपिता से प्राप्त ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को किस प्रकार बोला,
ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मकंते। आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संते। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए दे सुरत सरोवर तीर। दोने नो बिच कमल है उदल हिरंबर धाम। शेष शेष पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए ये 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोके। शेष 88 पांच में और 2500 को पूछे। ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे। दसमा जो अवतार है हिमालय का नीर। भौतक गोते खाएंगे नो सतगुरु कहे कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप। पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचारे। इनको माया जानियो ये नौ दसमा अवतार। कृष्ण कन्हैया राम है बलि बावन अवतार। हिरणा कुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी देह शरीर। ये करता हो उतरे ये माया के रघुबीर। धरता को करता कहे ये बड़ा अंधेसा मोहे। पारस पद भेटा नहीं तो जिसको कहिए लोए। लोक अलोकम दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश। धोलधरणी सब जावेंगे थिर रैसी आकाश। ग्रीव आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश। शब्द अतीत सुभान है तिथि बारह मास। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान से ग्रीव दास जी के कस्तूरी नाम कबीर है। बिन छेड़े मैकंत कस्तूरी के अंदर से अपने आप सुगंध आती रहती है। उसको छेड़ने और करेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि कबीर परमात्मा में इतनी शक्ति है उसके संपर्क में आने के बाद पल पल में आपको महसूस होगा कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हुई है। फिर क्या बताते हैं कि जहाँ पर कबीर परमात्मा रहते हैं सैस 88 ना गए वो 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोके। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी। सैस फिर सैस 88 पांच में इन 2500 को पूछे। ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे। अब सभी की स्थिति बता रहे हैं गरीबदास जी, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये वेद है। केवल ये चौपाई और दोहे नहीं हैं, इनके अंदर गूढ़ रहस्य है। जिस कारण से इनको आज तक हम समझ नहीं सके। इसमें क्या बताना चाह है कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और जिनको आप 9 अवतार 10 अवतार कहते हो, किसी को 24 और 25 अवतार कहते हो, ये सभी नाशवान हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थाई नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहाँ इस लोक में आकर गलत साधना करके और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। अपना स्वरूप भूल में भूला
तात जीव कहाया मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया। जब तो सतलोक से आया, एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था, अब तू इस काल का फंस गया। इसने पहले तो आपको रखा ऊपर ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में, वहाँ ये क्या करता है, आपकी पूंजी से, आपके पुनों से को वहाँ सारे डिपॉजिट करवा लेता है जाते ही, और उनमें से अपना इसने विधान बना रखा है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, कोई लोक कोई ब्रह्म लोक में भी कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, तो जो जिस रेस्टोरेंट में यानी उन स्वर्ग में रहना चाहता है उनके टैक्स लगाता है और सारी सुविधाएं तुम्हें देता है। आपके पुण्य जब वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर पटक देता है कर्म भोगने के लिए। अब आप निर्धन हो गए उस भक्ति धन से, और आपको ऐसा अज्ञान बना दिया, आप में ऐसा ज्ञान भर दिया कि आपको केवल यहाँ कोठी बंगले और ये प्लाट प्लूट यही दिखाई देते हैं, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान नेत्र हमें देते हैं, तब हम कुछ सोचने पर विवश होते हैं कि केवल यही काम नहीं था। अब क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, कि लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से सीसा भया, जब बिसरा जात और गोते, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रूपे से सीसा भया, जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यो मन हो गया रांग, शब्द मैल जाना नहीं, यो नाहक धारा सांग, पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया, जब व्याप्या दिल द्रोह, कौड़ी गिट्टी शंख ले ये दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल। अब क्या बताते हैं कि जब तू वहां से आया लाल था, पहले आपको ब्रह्म लोक में रखा, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोम स्वर्ग है उनमें, फिर कोमन स्वर्ग में आपकी पूंजी कम करते करते फिर आपको पटक दिया पृथ्वी पे। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से सीसा भया, जब बिसरा जात और गोती, यानी आप अपने जात और गोत को भूल चुके हो। कैसे, जीव हमारी जाति है, ये मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हमारा जो धर्म है और हमारी जाति कौन सी है, आप यहाँ डिवाइड हो गए। फिर मूल ज्ञान में परमात्मा बताते हैं कि आप अपने मूल स्थान को भूल गए, आप कहाँ रहा करते थे, आप वहाँ कितना सुख था, तो इसको कहते हैं जात और गोत को भूलकर आप अन्य ही क्रियाएं कर रहे हो जो शोभनीय नहीं हैं। अब क्या बताते हैं, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूपे, रुपया, रुपए से सीसा भया, जब जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यानी कति गिरता गिरता गिरावट में पशु पक्षियों तक की योनि तूने प्राप्त कर ली, इसका भावार्थ यह है। और किस लिए, शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग, स्वांग, हमारा जो ओरिजिनल बॉडी अन्य है, आज हमने मनुष्य का स्वांग कर रखा है, किसी ने स्त्री का किसी ने पुरुष का, फिर हम गधे का स्वांग करेंगे मनुष्य जीवन समाप्त करके भक्ति ठीक ना होने से, फिर हम गधे का स्वांग करेंगे, फिर कुत्ते का स्वांग भरेंगे, यानी ऊपर का कौर बदल लेना स्वांग कहलाता है। इससे बचने के लिए क्या बताया है, गट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए, भाई फेर सके तो फेर।
अब क्या बताते हैं परमात्मा कि घट में शोक सिलसिला और सूतक बढ़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दे रखे हैं, इनमें भक्ति कर सकता है तो कर ले। जैसे कई भक्त कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें बहुत सा काम है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बैंक में लगे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, और घर आते हैं तो और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कोई कहता है कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। परमात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव को चांस मिला है परमात्मा पाने का, और ये अटपट करके आप इसको बर्बाद करना चाहते हो तो आपको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गुरतेज दास नाम है जी मेरा। सर कहाँ से आए हो? गाँव सैणा, तहसील बरनाला, पंजाब स्टेट से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले तो 1992 में संत अपने सरसे वाले से नाम लिया था। उनकी जन की साधना करते करते मेरे शरीर में कष्ट रहने लगे। उसके बाद मैंने देवी देवता की साधना करनी शुरू कर दी। साढ़े घर कहते सके लोग भी थोड़े घर गद्दी हैगी पीरां दी, पीर तो तंग करते ने गे, पर मैं करता नहीं सीगा भगती। साढ़े घर कोई नहीं, सारे राधा स्वामी ने गे, राधा स्वामी मत ना जुड़े सू 50 साल हो गए, तो उन्होंने साधना करते जोत बत्ती कुछ नहीं करते जी घर। पर उस तो बाद मैं किसी कहते मैं जब चिराग लाने लग गया जी, चिराग लाते लाते यानी कि मैनू वधिया कुछ राहत मिली। उस तो बाद साढ़े घर गद्दी लग गई, मैं उन्होंने साधना करता रहा पीर की, तो उन्होंने पाठ पूजा करके उन्होंने यानी कि आराधना पूरी कर लग गया उन्होंने। उस तो बाद मैं होर देव देवते भी नाल भगती कर लग गया जी, जिमें अपने विष्णु की, शिव शंकर की, काली माता की। काली माता दे भी मैं मंदिर भी जाता सी, बोतलों भी चढ़ाता सीगा जी, सारा कुछ करता जी। उस तो बाद मैं इन्ना ज़्यादा दुखी करता उन्होंने कि मैं मरन भी ऐ लगे करे भी मैं मर जाता वधिया ही, इन्ना ज़्यादा कष्ट रहन लग गया मेरे शरीर च, क्योंकि उन्होंने सुखां देनिया पैंदियां हरेक महीने, तो कष्ट मैनू देन लग जाते वो पहले ही। जो मैं सुख दिता उस बाद ठीक हो जाता, फिर 15 दिन बाद फिर उही हाल हो जाता मेरा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होंदा। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की महाराज जी शरण के बच्चे मैं 2013 छेवें महीने च आया सीगा जी। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी की शरण में आए थे, हमारे गांव से एक हमारे चाचा जी का लड़का था, वो पहले गया था आश्रम में, उसने नामदान लिया था, उसने टीवी पर सुनकर बुक मंगाई थी, बुक पढ़कर उसने नामदान ले लिया था। 6 महीने पहले हमसे गया था वो, पर उस टाइम मेरे मैं भी राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था, उनसे भी नाम लिया था, तो साल भर हो गया समझसे मैं, मेरे भाई ने सब तो पहला नाम लेता सीगा जी, मेरे तो छोटा भरा था मेरा, 6 महीने 3 महीने पहला नाम लेके आया सी। उन्होंने यानी कि ज्ञान समझाया सानू, बाकी मेरे शरीर के प्रॉब्लम ज़्यादा सी करके मैं इस वजह के ना, मैंने उन्होंने कहा भी तू शरीर तेरा ठीक हो जूगा जमा तू परमात्मा ने गए गुरु जी संत गुरु रामपाल जी महाराज तो उन्होंने सरण से जाके तो सब कुछ ठीक हो जूगा, तो पूर्ण संत ने वह तो उन्होंने सरण से जाने तो बाद तेरे सारे शरीर के कष्ट तो दूर होणगे तो तेन मोक्ष का मार्ग भी मिलेगा। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण के जाने तो बाद जी मैं बहुत वधिया लाभ तो यह मिले गा कि मैनू बाबे नानक का मार्ग मिल गया, जिहड़ा बाबे नानक ने जाने कि सतलोक गए सच्ची साधना करके हुण तक उन्हां दी महिमा गाउंदे ने, वो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी सौ बहुत प्रमाण ने गे, तो प्राण संगली दे विच भी प्रमाण ने गे, तो अपने भाई जन्म साखी दे विच भी उन्होंने प्रमाण ने जी। उन्होंने मैं देख के तो गुरु जी के शरण च जाके दृढ़ विश्वास नाल भगती दे विच लग्या जी। मेरा शरीर बहुत कष्ट सीगे, उन्हां तों मैनू कुसरात बहुत मिली है जी,
तो उस तो बाद देवी देवत्या की पूजा जी करता से उन्होंने मैं जो तंग करते उन्होंने तो छुटकारा मिले जी मैं हूँ मैं किसी की सुख नहीं दिता किसी को पूजता नहीं है बस परमात्मा पूजते हैं कबीर साहब न तो उस तो बाद एक छोटा जहा होर लाभ होया सीगा जिहड़े अपने मेरा छोटा बेटा सीगा उहदे सत्त तो उपर डिग पिया सीगा जी पौड़ियां दे विचों उहदा सिर तक थले वज्जा सीगा नीचे आके तो उहदा सिर जाने कि अद्धा सारा इस पासा नीला हो गया सीगा तो मैं घर है नहीं सी घर होर मेरी धर्म पत्नी भगतमती सीगे उन्होंने वो एकदम चक्या उन्हों जाके देखा जो भी वह बुरा हाल होया पैसा तो उन्हों जल दिता उन्होंने परमात्मा का जल देन सार ही जाने के नीला बनता वो ठीक हो गया तो वह जाने कि होश में आ गया तो ये सब तो वधिया लाभ होया कि उन्होंने नाल दी नाल ठीक होया हो तो उस तो बाद उस जो अं डाक्टर को लेके गए दूसरे दिन वो जी एक्सरे वगैरह कराए जी डाक्टर के कहने के मुताबिक तो उन्होंने वो कुछ भी नहीं आया जी उस टाइम साफ वधिया जाने कि ऐ लगे भी जिवें परमात्मा ने उन्होंने आप ही बचाया होवे तो दवाई जाने के 700 रुपये के ही साडा लाभ हो गया उहदे नाल दा ही केस एक होर होया सीगा साडे नेड़े पिंड दे विच उह अठूर दे विच सीगा मेरा दोस्त उहदे जाने के उसे दिन ही मुंडा उहदा डिग्गा सी कोठे तो जी उहदा जाने के DCM हॉस्पिटल हैगा एक उहदे विच उहदा 2-3 लाख रुपया लग गया जी उहदा जाने के मुंडा हजे भी पूरा सही नहीं होया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण मानने से पहले क्या आप कोई नशा वगैरह करते थे? हाँ जी, मैं पहला शिव शंकर की पूजा करता सी तां सुलफा भी पींदा सीगा जी सिगटा भी पींदा सीगा इहदे तो मैनू बहुत वधिया ला जाने कि राहत मिली मैनू जो इन्ह ने नाम मैं नाम देना लैन गया सीगा जी मैनू इन्ह ने अपने भगतां ने जी फार्म के उत्ते सारे नियम समझाए जी मैनू नियम दे विच कोई दिक्कत नहीं लगी जी बस मैनू ऐ सीगा भी मैनू मार्ग सही मिल गया ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਸਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਪਾਤੇ। ਸਰ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਕੋ ਐਸੇ ਕਿਆ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜ ਦਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਸਮਾਨ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੰਡ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਕੋ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਕੋ ਹਮ ਅਜਿਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਨਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਕਸ ਕਰਵਾਏ ਜੀ। ਸਰ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਸਰਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਔਰ ਵਰਲਡ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜੀ ਉਨਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ TV ਉੱਪਰ ਜੋ ਨੀਲ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਪਰ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਆਤੇ ਹੈ ਉਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें